हेलो गाइस, मायसेल्फ इज़ अविनाश शर्मा फ्रॉम करियर इन्फिनिटी क्लासेस। वेलकम अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में। आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन हैं, जिसमें से कुछ आप जानते हो, टंग है, नोज़ है, ईयर है, आइज़ हैं, क्लियर है ना। तो इनको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज़ आई। तो ह्यूमन आई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको आई का एक इमेज बनाया गया है, क्लियर। तो आप देखो, आई होता कहाँ पर है? आई जो होता है वो हमारे स्कल के, अगर हम लोग अपने स्कल का स्ट्रक्चर बनाएं, तो स्कल में होती हैं आँखों के लिए गड्ढे, और आँखों के लिए जो गड्ढे होते हैं, आपने देखो कैसे नोज़ होता है इस तरीके से, स्केलेटन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो यहाँ टीथ होते हैं। तो आप देखो, इनको बोलते हैं आई ऑर्बिट, इनको बोलते हैं आई ऑर्बिट। तो आई ऑर्बिट, देखिए आई ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आई बॉल। आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है आई बॉल। कुछ लोग कह रहे हैं सर आंखें बहुत सुंदर लगाई हैं, ऑफ कोर्स। तो आई बॉल, तो आई ऑर्बिट जो होता है ये आई बॉल, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आई ऑर्बिट। इज़ द बोनी कैविटी, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आई बॉल। और हम इंसानों का आई बॉल जो होता है वो नियरली स्फेरिकल होता है। एनसीईआरटी में लिखा है नियरली स्फेरिकल, यानी लगभग गोल होता है, ठीक है ना, नियरली स्फेरिकल, लगभग गोल होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका कारण क्या है, लगभग स्फेरिकल क्यों लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता, क्योंकि अगर हम आँखों को ड्रॉ करें तो अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे तो आप देखोगे एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बना है। तो आप बताइए, क्या ये पूरा गोला है, क्या ये कंप्लीट ऐसे गोल बना? नहीं, ये इसका ये पोर्शन उभरा हुआ है ना, इस उभरे हुए पोर्शन को बोलते हैं कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो ध्यान दीजिए, नियरली स्फेरिकल होता है। और ये बना होता है मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। अब हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो जो ह्यूमन आई होती है, क्लियर, उसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और लगभग नियरली स्फेरिकल होती है, नियरली स्फेरिकल। और प्रेजेंट इन आई ऑर्बिट, प्रेजेंट इन आई ऑर्बिट ऑफ स्कल, आई ऑर्बिट ऑफ स्कल। और हमारी आँखों का केवल ओनली एंटीरियर, ओनली एंटीरियर 1/6 पार्ट इज एक्सपोज, इज एक्सपोज। इसका मतलब केवल हमारा आगे का 1/6 भाग ही एक्सपोज होता है, बाकी 5/6 पार्ट, 5/6 पार्ट इज हिडन, इज हिडन, क्लियर। और हमारे आँखों में 3 लेयर्स पाई जाती है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स का बना होता है। मैं नाम बता दूं, एनसीईआरटी ने तो लिखा है एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, लेकिन मैं इसे बोलूँगा फाइब्रस, ट्यूनिक, मिडिल वन इज नोन एज वैस्कुलर ट्यूनिक, और थर्ड वन इज नोन एज न्यूरल ट्यूनिक। देखिए, फाइब्रस ट्यूनिक में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है कॉर्निया, अभी मैं फिगर बता रहा हूँ आपको, कॉर्निया, और दूसरा हमें पढ़ना है स्क्लेरा। इसमें हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, पहले मैं आपको ब्रीफ करा रहा हूँ। आयरिस, सीलरी बॉडी, एंड थर्ड वन इज कोराइड, कोराइड। न्यूरल टिश्यू में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़ना है आपको
पिगमेंटेड लेयर और एक पढ़नी है नर्व। अच्छा, इसी को आप रेटिना भी बोल सकते हैं, न्यूरल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज रेटिना। रेटिना तो देखिए एनसीईआरटी में दिया एक्सटर्नल, हमने उसे बोल दिया फाइब्रस ट्यूनिक लेयर, फिर मिडिल, मिडिल को बोलेंगे वैस्कुलर ट्यूनिक लेयर, और इनर वाले को बोलेंगे न्यूरल ट्यूनिक लेयर, जिसको रेटिना भी कहा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया फाइब्रस ट्यूनिक जो होती है उसको हम दो भागों में बांटेंगे, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। फिर हम लोग वैस्कुलर ट्यूनिक लेयर में तीन चीज़ें पढ़ेंगे, आयरिस, सिलेरी बॉडी और कोराइड। इसी तरह रेटिना में हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पिगमेंटेड लेयर और नर्व्स, पिगमेंटेड लेयर और नर्व्स। क्लियर? मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ, इन तीनों लेयर में जो एक्सटर्नल लेयर होती है, दिस इज कंप्लीट, एक्सटर्नल लेयर कंप्लीट होती है, जबकि जो मिडिल और इंटरनल लेयर होती है, इनर लेयर होती है, वो होती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, ध्यान दीजिएगा, इनकम्प्लीट होती है। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जब हम लोग ह्यूमन आई को एक्सटर्नली देखते हैं, यानी अगर मैं आपको देखूँ या आप मुझे देखो, तो आपको दिखेगा, देखिए ये ऊपर की पलके यानी आईलिड है, और ये नीचे की पलके यानी आईलिड है, और इन पे हेयर्स पाए जा रहे हैं, उनको आईलेसेस कहते हैं। दिस इज आईलेसेस, आपको अच्छे से पता है आईलेसेस। और आईलिड्स मोबाइल होती है, हमारी अपर और लोअर दोनों आईलिड मोबाइल होती है। फिर आप देख पा रहे हो ये छोटा छोटा एक गोला टाइप का दिखाई पड़ता है, एक छेद दिखाई पड़ता है या पोर। दिस इज नोन एज प्यूपिल, दिस अपर्चर इज नोन एज प्यूपिल। और आँखों में जो लाइट की मात्रा आने और आने को कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल, यानी द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स इन द आई इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द प्यूपिल, यानी प्यूपिल उसको कंट्रोल करता है, इसी अपर्चर को बोलते हैं प्यूपिल। आप देख पा रहे हो ये जो वाइट वाला पार्ट है, वाइट वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं स्क्लेरा, यानी वाइट ऑफ द आई बॉल इज नोन एज, ये जो पूरा हमारी आंखों का वाइट वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? ये स्क्लेरा। अब आप देख रहे हो ये जो प्यूपिल है, और इसके बाद आप देख रहे हो इस तरीके से हम लोगों की आंखों में, जब कभी मिरर में देखिए या किसी की आंखों में झांकिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे जिगजैग लेयर्स पाई जाती हैं, एंड दिस जिगजैग लेयर इज नोन एज आयरिस। तो इनको आयरिस बोलते हैं, ठीक है? ये देखिए आयरिस लिखा हुआ है, आयरिस यानी आँखों का जो विजिबल पोर्शन है, दिस इज द विजिबल या विजुअल पार्ट ऑफ आई। अच्छा, और ये जिस कलर का होगा, ये विजुअल पार्ट है और ये कलर्ड होता है, कलर्ड, और इसकी कलर, इस जैसा इसका कलर होगा वैसा ही हमारे आंखों का कलर होगा, जैसा इसका कलर होगा वैसे हमारी आंखों का कलर होगा, याद रखिएगा। क्लियर? तो आपको दो तीन बातें समझ में आ गई, अपर आईलिड आईलेसेस, लोअर आईलिड आईलेसेस, वाइट ऑफ द आईबॉल इज नोन एज स्क्लेरा, वाइट ऑफ द आईबॉल इज नोन एज स्क्लेरा, आयरिस इज द विजुअल पार्ट ऑफ आई विच इज कलर्ड, एंड इट एक्चुअली इम्पार्ट्स द स्पेसिफिक कलर टू द स्पेसिफिक पर्सन। मान लीजिए मेरी ब्लैक है, आपकी ब्राउन होंगी, किसी की ग्रे होंगी, आपने अमेरिकन वगैरह में देखा था ग्रीन और कैसी होती हैं फॉरेनर्स में, ब्लू भी होती हैं। क्लियर? कुछ लोगों ने देखा होगा झील जैसी आंखें बोलते हैं, तो ये सब इसी की वजह से होता है, ठीक है? आइए थोड़ा एनसीईआरटी की फिगर को हम लोग समझते हैं। देखिए ये स्फेरिकल है या नियरली स्फेरिकल है, देखिए पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, ये नियरली स्फेरिकल है, तो ये बात क्लियर हो गया। और कौन सा पोर्शन आगे बल्ज आउट है? दिस इज नोन एज कॉर्निया। जैसा कि मैंने बताया था तीन लेयर होती है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहली वाली या बाहरी लेयर, दैट इज फाइब्रस ट्यूनिक। मैंने बताया था फाइब्रस ट्यूनिक में दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला होता है कॉर्निया एंड सेकेंड वन इज नोन एज स्क्लेरा। अच्छा, ये फाइब्रस ट्यूनिक लेयर फाइबर की बनी होती है, किसकी बनी होती है? डेंस फाइब्रस टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू। जैसे कि आपको बता दूं डेंस फाइब्रस टिश्यू में क्या आएगा, जैसे कोलेजन फाइबर, और कोलेजन वाइट होता है, इसीलिए याद रखिए स्क्लेरा का कलर भी वाइट होता है, और प्लस फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? तो बताइए, हमें सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर पढ़नी है, एक्सटर्नल लेयर को बोलते हैं हम लोग फाइब्रस ट्यूनिक, और इसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी है, कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया क्या है? ये देखिए, यहाँ से ये जो पोर्शन जो बल्ज आउट है,
ये जो पोर्शन बल्ज आउट है ये आगे का, ये पूरा पोर्शन देखिए बल्ज आउट जो है, दिस इज नोन एज कॉर्निया, दिस इज नोन एज कॉर्निया। और आपको बता दूँ कॉर्निया ट्रांसपर पेरेंट होता है, क्योंकि यहाँ से ही लाइट आंखों में एंटर करती है। लाइट कहाँ से एंटर करती है? कॉर्निया से। कॉर्निया कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आपको बता दूँ फाइब्रस कोट ए वेस्कुलर होती है, इसका मतलब इसमें ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं, इसमें ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं। क्लियर, ब्लड वेसल नहीं पाए जाते तो इसका नरिशमेंट कैसे होता है? इसका नरिशमेंट आसपास के टिश्यू मिल करके करते हैं, याद रखिएगा। अंदर यहाँ पे एक फ्लूड भरा होता है एक्वस ह्यूमर, हम लोग अभी पढ़ेंगे, उससे इसको नरिशमेंट मिलेगा। ठीक है, क्लियर। जबकि ये देखिए पीछे का ये जो पोर्शन है, बाकी का ये जो पीछे का पोर्शन है, बाकी का रेस्ट, ये है स्क्लेरा, ये है स्क्लेरा, देखिए दिया हुआ है स्क्लेरा। और स्क्लेरा को हम लोग बोलते थे वाइट ऑफ आईबॉल, वाइट ऑफ आईबॉल, यानी आंखों का जो सफ़ेद कलर का पार्ट है वो वाइट ऑफ आईबॉल है, वही है स्क्लेरा। आपको रफली बता दूं कि कॉर्निया जो होता है फाइब्रस टिश्यू का 1/5 होता है और एंटीरियर होता है, 1/5 एंड एंटीरियर पार्ट। जबकि स्क्लेरा जो होता है ये होता है 1/6 और ये होता है 5/6 या पोस्टीरियर पार्ट, 5/6 या पोस्टीरियर पार्ट। तो बताइए आगे का जो पोर्शन होता है वो 1/6 होता है टोटल फाइब्रस टिश्यू का, उसको बोलते हैं कॉर्निया, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि पीछे का जो पोर्शन होता है 5/6 पोस्टीरियर वाला, ये ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ये वाइट होता है, इसी को वाइट ऑफ द आईबॉल बोलते हैं और इसे हम स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ इंटरेस्टिंग। देखिए ये साइड व्यू है, तो ये ऊपर की पलकें हो गई, ये ऊपर की आई लैसेस हो गई, ये नीचे की पलक हो गई यानी आई लीड, और ये उसकी आई लैसेस हो गई। मैंने आपको बताया था ये ट्रांसपेरेंट होता है और 1/6 एंटीरियर पार्ट होता है, और यहीं से लाइट एंटर करती है, यहीं से लाइट एंटर करती है। क्लियर हो गई बात। जबकि पीछे का जो पोर्शन होता है ये वाइट ऑफ द आईबॉल कहला रहा था, और ये होता है 5/6 पार्ट। क्लियर, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब अगर हमारे आँखों की मसल की बात करें तो वह स्क्लेरा से जुड़ी होती है। हमारी आँखों में चारों तरफ मसल है, ठीक है, और वो आँखों में कितनी मसल है? 6। तो देखिए मैं बना देता हूँ रफली, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए इसको बोलते हैं सुपीरियर, क्योंकि ऊपर है, सुपीरियर रेक्टस। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलिए इन्फीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलिए मीडियन रेक्टस। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलिए लैटरल रेक्टस। तो देखिए 4 तो हो गई रेक्टस मसल, 4 हो गई रेक्टस मसल। एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियन और लैटरल, ठीक है। जबकि 2 जो होती है वो होती है ऑब्लिक, 2 ऑब्लिक होती है, तिरछी। अब देखो ये कैसी है, ये है सुपीरियर ऑब्लिक, दिस इज सुपीरियर ऑब्लिक। तो ये कैसी होगी? ये होगी इन्फीरियर ऑब्लिक। तो हाउ मैनी मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर आईबॉल? 6। कहाँ से जुड़ी होती है? स्क्लेरा, स्क्लेरा मसल को अटैचमेंट पॉइंट देता है, और स्क्लेरा आँखों को सेप भी देता है। स्क्लेरा और क्या करता है? आँखों को सेप भी देता है, ठीक है। जिनमें से टोटल 6 मसल में से 4 होती हैं रेक्टस और 2 होती हैं ऑब्लिक। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, बहुत काम आएगा, तो ध्यान से देखिए। देखिए फार्मूला है SO4 LR6 REST 3rd, याद रखिएगा। ये मेडिकल कॉलेज में आपको शॉर्ट फॉर्म बताया जाएगा, तो मैं अभी से बता देता हूँ। सुपीरियर ऑब्लिक 4th क्रैनियल नर्व द्वारा कंट्रोल होती है, सुपीरियर ऑब्लिक इज कंट्रोल बाय 4th क्रैनियल नर्व, लैटरल रेक्टस बाय 6th क्रैनियल नर्व, एंड रेस्ट ऑफ द मसल ऑफ आईबॉल, रेस्ट ऑफ द मसल ऑफ आईबॉल इज कंट्रोल बाय 3rd क्रैनियल नर्व। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा कौन से क्रैनियल नर्व है जो हमारे आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, तो आप बताइएगा थर्ड वाली सबसे ज़्यादा मसल्स को कंट्रोल करती है। क्लियर। देखिए कॉर्निया के बारे में दो चार पॉइंट और हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, इसीलिए कॉर्निया का जो ऑपरेशन करना बड़ा आसान होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, इसी को बोलते हैं किरेटोप्लास्टी, किरेटोप्लास्टी। किरेटोप्लास्टी क्या होता है बच्चों? तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन को बोलते हैं किरेटोप्लास्टी। किसी मरे हुए व्यक्ति का कॉर्निया 3 दिन तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति का कॉर्निया निकाल दिया जाए और किसी को, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए, तो दिस इज़ नोन एज किरेटोप्लास्टी। अच्छा, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसप्लांटेशन कौन सा है? कॉर्निया। इसमें ऑर्गन रिजेक्शन का चांस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ए वैस्कुलर है, और ए वैस्कुलर होगी तो कोई भी इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। आपको पता है इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, ना CMI काम करेगी, ना HMI। वैसे तो ऑर्गन रिजेक्शन इज ड्यू टू द CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बाई टी लिम्फोसाइट सेल। तो इसीलिए याद रखिए, ए वैस्कुलर होने के कारण इसमें क्या होता है कि ऑर्गन रिजेक्शन का चांस नहीं होता। ये सबसे ईजी और सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसप्लांटेशन है, इसको किरेटोप्लास्टी भी कहते हैं। और कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया लाइट को तो एंटर करने देता है, साथ में ये इसकी रिफ्रैक्टिविटी को बढ़ा देता है। रिफ्रैक्टिविटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, आँखों में बहुत ज़्यादा एंटर कर पाएगा। और ये क्या करता है, ये कॉर्निया लाइट को फोकस कर देता है। किसकी तरफ फोकस कर देता है? कॉर्निया फोकस कर देता है लाइट को टूवर्ड्स द रेटिना, यानी रेटिना की तरफ फोकस कर देता है। देखिए, रेड लाइन जो है, ये जो रेड जोन है, व्हाट इज दिस, दिस इज रेटिना। तो रेटिना की तरफ ये फोकस कर देता है। एक क्वेश्चन और आता है, कॉर्निया किस तरह के एपिथीलियम का बना होता है? तो आंसर आएगा नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे फिर एक क्वेश्चन आता है, बोमेंस मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? बोमेंस मेम्ब्रेन भी कॉर्निया में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल हमने कहाँ पढ़ा था? नेफ्रॉन्स में। बोमेन कैप्सूल हमने कहाँ पढ़ा था? नेफ्रॉन्स में, याद रखिएगा, बोमेंस कैप्सूल, याद करिए, इस तरीके का पार्ट था। तो इसको क्या बोलते थे? बोमेन कैप्सूल, क्लियर। इसी तरीके से आपने बोमेंस ग्लैंड भी पढ़ी होगी। वोमेंस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? वोमेंस ग्लैंड प्रेजेंट इन नोज, वोमेंस ग्लैंड प्रेजेंट इन नोज। तो तीनों कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए, तीनों कन्फ्यूजन दूर हो गए ना, तो कॉर्निया के बारे में मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट आपको बता दिया, क्लियर। आइए एक टॉपिक देखते हैं इसी जगह पे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो NCERT में नहीं दिया, कैनाल ऑफ स्लेम। कैनाल ऑफ स्लेम क्या होता है? देखिए, ये पाया जाता है, एक ऐसी कैनाल होती है जो पाई जाती है एट द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पर। तो देखिए, यहाँ पर होती है, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पर पाई जाती है कैनाल। दिस कैनाल इज नोन एज कैनाल ऑफ स्लेम। कैनाल ऑफ स्लेम का काम क्या है? कैनाल ऑफ स्लेम का काम होता है, ये एंटीरियर चैम्बर होता है। देखिए, एंटीरियर चैम्बर को एक्वस चैम्बर भी कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर, क्योंकि आगे है इसलिए मैंने एंटीरियर कहा, तो एंटीरियर चैम्बर। और इसको एक्वस चैम्बर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूड भरा होता है, इसमें फ्लूड भरा होता है, क्लियर, जो वाटरी होता है, जो वाटरी होता है, वाटरी फ्लूड, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। वाटरी फ्लूड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर यहाँ भरा होता है, और एक्वस ह्यूमर लगातार बनता जाता है और ड्रेन होता रहता है। तो देखिए, बनाता कौन है? एक्वस ह्यूमर जो है, ये बनाता कौन है या प्रोड्यूस कौन करता है? तो प्रोड्यूस्ड बाई सीलरी बॉडी, सीलरी बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये ड्रेन, यानी कि ये जब बेकार हो जाता है तो कहाँ पे ड्रेन हो जाता है? ड्रेन का मतलब समझते हैं ना, बेकार की चीज़ें कलेक्ट होना। तो ड्रेन इन कैनाल ऑफ स्लेम, कैनाल ऑफ स्लेम, ये ड्रेन होता है कैनाल ऑफ स्लेम में। कैनाल ऑफ स्लेम का क्या काम है? ड्रेनिंग करना। किसकी ड्रेनिंग करना? एक्वस ह्यूमर की। तो नया बनता चला जाता है, पुराना ड्रेन होता जाता है। सोचो, अगर आपके घर का जो ड्रेनेज पाइप है वो जाम हो जाए तो क्या होगा? यानी आप तो नहा धो करके पानी ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे,
यानी कि घर में पानी की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन आपका जो नाला है वो जाम है, चोक है, इस वजह से घर में पानी तैरने लगेगा, बाथरूम में पानी तैरने लगेगा। ऐसा ना हो, ठीक है ना, इसके लिए आपको नाला साफ़ कराना पड़ेगा। तो कभी कभी इसी तरह क्या हो जाता है, ये ड्रेन पाइप जाम हो जाती है, ये ड्रेन पाइप ब्लॉक हो जाती है। अगर ड्रेन पाइप ब्लॉक्ड हो गई तो फिर बताइए क्या होगा, तो फिर यहाँ पर जो फ्लूड है एक्वास्यूमर बनता जा रहा है लेकिन ड्रेन नहीं होगा, तो इस फ्लूड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। फ्लूड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारा जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है, यानी आँखों के अंदर का प्रेशर, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ये बढ़ जाएगा, और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर अगर बढ़ गया तो इससे एक रोग हो जाएगा, इस रोग को बोलते हैं ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा या फिर बोलते हैं काला मोतिया, काला मोतिया। ठीक है, सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट को बोलते हैं, सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट को बोलते हैं, जो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये है काला मोतिया। इसमें परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्योंकि इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाने से काफ़ी यहाँ पे चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, नर्व डैमेज हो जाता है, लेंस डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम सेकेंड लेयर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड लेयर में मैंने आपको बोला था वैस्कुलर ट्यूनिक। इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये वैस्कुलर कोट होती है। पहले वाली कैसी थी, नॉन वैस्कुलर, और ये कैसी होती है, वैस्कुलर कोट। ये वैस्कुलर कोट होती है, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वैस्कुलर टिशूज प्रेजेंट, वैस्कुलर टिशूज प्रेजेंट, क्लियर। और इसमें मैंने आपको बोला था तीन चीज़ें पढ़नी है हमें, पहला पढ़ना है आयरिस, दूसरा पढ़ना है सिलरी बॉडी, और तीसरा पढ़ना था कोराइड। तो देखिए एनसीईआरटी में ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, उन्होंने सीधे कह दिया है कि कोराइड जो होता है, कोराइड, ये देखिए सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर आपको दिख रही होगी, ये वाली बीच वाली है, तो कोराइड जो होती है उसका पोस्टीरियर 2/3 पार्ट थिन होता है, और जबकि एंटीरियर का, एंटीरियर 1/3 पार्ट ठीक होता है, और जो पार्ट ठीक होता है वही बना लेता है सिलरी बॉडी। यानी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कोराइड का पोस्टीरियर 2/3 पार्ट कैसा होता है, थिन, और इसका आगे का 1/3 भाग कैसा होता है, थिक, और थिक पार्ट इज नाउ नोन एज सिलरी बॉडी। तो सिलरी बॉडी क्लियर हो गया। अब सिलरी बॉडी जो होता है, देखिए उसमें भी दो चीज़ें पाई जाती हैं, सिलरी बॉडी में यहाँ दिया नहीं है, सिलरी बॉडी में भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सिलरी प्रोसेस, इसी ने एक्वास्यूमर बनाया था, और एक होती है सिलरी मसल, ये जब हम लोग किसी वस्तु को देखेंगे तो ये उसको एकोमोडेट करने के काम आएगा। व्हाट इज एकोमोडेशन, इसका मतलब होता है जब हम पास की चीज़ को देखते हैं तो हमारी आंखें उसको फोकस करती हैं, जब दूर की चीज़ों को देखेंगे तो हमारी आंखें उसको फोकस करेंगी, तो आंखों के अंदर बदलाव होने लगते हैं, इस समय ये मसल सिकुड़ती और फैलती हैं। तो बताइए आंखों के अंदर जो एकोमोडेट, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आंखें एडजस्ट करती हैं, उस समय क्या होता है, हमारे कौन सी मसल काम आती है, सिलरी मसल। तो एकोमोडेशन ऑफ आईबॉल इज ड्यू टू द, तो आप बताओगे सिलरी मसल, एक्वस ह्यूमर इज फॉर्म्ड बाय सिलरी प्रोसेस, स्पेसिफाई हो गया, क्लियर। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। देखिए जो कोराइड होता है, कोराइड ये किसका बना होता है, ये मिलानिन का बना होता है, ये मिलानिन का बना होता है। अच्छा, और इसीलिए ये हल्का ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर्ड होता है, याद रखिए मिलानिन का बना होता है, ब्लू कलर्ड होता है। और कोराइड का काम क्या है, मिलानिन का काम क्या होता है, बेटर एब्जॉर्बर और बेटर एमिटर होते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये क्या करता है, प्रिवेंट रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन आईबॉल, मतलब एक बार लाइट अंदर आ गई तो ये उसको, उसके रिफ्लेक्शन को और उसको, उसके बिखरने को रोकेंगे। रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कौन प्रिवेंट करता है, तो आप बताओगे कोराइड, कोराइड प्रिवेंट करता है, क्लियर हो गई बात, कोराइड प्रिवेंट करता है। देखो आपने एक रोग सुना होगा एल्बिनिज्म या एल्बिनोज, एल्बिनोज में क्या होता है, मिलानिन पिगमेंट नहीं बनता है, अगर उसमें मिलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो आपने देखा होगा उनकी बॉडी में कोई कलर ही नहीं होता, बिल्कुल वाइट होते हैं, बिल्कुल वाइट, उनका बाल भी वाइट, उनकी आँखें भी वाइट, सब कुछ। तो यहाँ पर भी मिलानिन नहीं होगा,
अगर मिलानिन नहीं होगा तो उसके आंखों में जो लाइट जा रही है उसकी स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं वो बच्चे देखना हमेशा सनग्लासेस लगाए रहेंगे, सनग्लासेस का उपयोग करते हैं ताकि जो काम मिलानिन कर रहा था अब वो हमने सनग्लासेस की हेल्प से किया, उसने रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रिवेंट कर दिया, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रिवेंट कर दिया। देखिए आयरिस क्या होता है, सिलरी बॉडी से आगे की तरफ एक कलर्ड पोर्शन लटका होता है, सिलरी बॉडी से आगे की तरफ एक कलर्ड पोर्शन लटका हुआ है, ठीक है, यही कहलाता है आयरिस। और मैंने आपको पहले ही बोला था ये आँखों का विजुलाइज पार्ट है, ये आँखों का विजिबल पार्ट है, हमारी आँखों का रियल कलर आयरिस की वजह से होता है। और आयरिस के बीच के गैप को क्या कहते हैं, दिस गैप इज़ नोन एज प्यूपिल, द गैप बिटवीन द आयरिस इज़ नोन एज प्यूपिल। और प्यूपिल का क्या काम था, प्यूपिल का काम था जो लाइट आ रही है उसकी मात्रा को कंट्रोल करना। लेकिन प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, मान लीजिए ये प्यूपिल है, ठीक है, ये आयरिस है, ये आयरिस है, तो इसमें ऐसे ऐसे मसल्स लगी होती हैं, कुछ मसल इस प्रकार की होती हैं और कुछ मसल इस प्रकार की होती हैं, ठीक है, कुछ को रेडियल मसल बोलते हैं, कुछ को सर्कुलर मसल बोलते हैं, तो दो तरह की मसल होती है। तो देखिए ये अगर सिकुड़ गई फिर ये सिकुड़ गई या ये सिकुड़ गई, तो दोनों में अलग अलग तरीके के बदलाव होते हैं, इससे प्यूपिल का डायमीटर या तो बढ़ जाएगा और या तो प्यूपिल का डायमीटर घट जाएगा, और अगर बढ़ गया तो अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा आएगी, घट गया अमाउंट ऑफ लाइट कम आएगी। तो बताइए कि प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल कौन करता है, द मसल ऑफ आयरिस। और प्यूपिल आँखों में जाने वाली लाइट की मात्रा को निर्धारित करता है, क्लियर हो गई बात। जबकि प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, तो आप बताओगे आयरिस। प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, आप बताओगे आयरिस, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आयरिस के पीछे क्या पाया जाता है, लेंस। लेंस कैसा होता है, लेंस होता है ट्रांसपेरेंट। और किसका बना होता है, मेडअप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। किसका बना होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और लेंस होता कैसा है, बाई कॉन्वेक्स यानी उभय उत्तल, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये लेंस लटका हुआ है, ये लेंस कुछ फाइबर द्वारा लटका हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं एक नया फिगर बना दूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ये हमारा लेंस है, ये सिलरी बॉडी मान लीजिए, ये सिलरी बॉडी से ऐसे कुछ लिगामेंट्स द्वारा लटका रहता है, ठीक है। इसका फिगर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो ये हो गई सिलरी बॉडी, ये भी हो गई सिलरी बॉडी, दिस इज लिगामेंट, इसका पूरा नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये है लेंस, ये से लटका रहता है, ठीक है। जब सिलरी बॉडी की मसल्स में परिवर्तन होता है तो ये लिगामेंट या तो ऐसे खिंच जाएंगे और या तो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचो जरा, अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट अगर खिंच गए तो लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस हो जाएगा पतला और लंबा। अगर ऐसे ये सिकुड़ गए तो क्या हो जाएगा, ये लेंस जो है स्ट्रेच हो जाएगा, लेंस ऐसा इस तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। और लेंस जब स्ट्रेच हो जाएगा तो ये कब होगा, जब ये सिकुड़ जाएंगे तो फिर लेंस लंबा और पतला हो जाएगा, और तब वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट, यानी दूर की वस्तुओं को हम देख पाएंगे, वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट, तो हम दूर की चीज़ों को देख पाएंगे। और अगर मान लीजिए ये लिगामेंट कैसे हो गए, ये लिगामेंट ढीले हो गए तो आप बताओ क्या होगा, ये लेंस हो जाएगा छोटा और मोटा। और जब लेंस छोटा और मोटा हो जाएगा तो वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, तो हम नियर ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, क्लियर। अब देखिए थर्ड लेयर मैंने आपको बताया था रेटिना। रेटिना में भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है नर्व सेल्स और एक होती है पिगमेंटेड सेल्स, ठीक है, पिगमेंटेड सेल। तो देखिए रेटिना जो होता है वो भी इनकम्प्लीट लेयर है, और ये रेड वाला जो है दिस इज रेटिना, रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर। और रेटिना एक्ट एज फोटोग्राफिक फिल्म, ये फोटोग्राफिक फिल्म की तरह काम करती है, फोटोग्राफिक फिल्म
और यहीं पर होता है इमेज फॉर्मेशन. दिस इज़ द साइट फॉर इमेज फॉर्मेशन. दिस इज़ द साइट फॉर इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर ही होता है और रेटिना बहुत सारे लेयर्स की मिलके बनी होती है. आइए हम लोग डिटेल में इसका एक फिगर देखें तो हमें क्लैरिफाई हो जाएगा. तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये रेटिना की लेयर. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें, अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा. अगर हम लोग बाहर के अंदर की तरफ चले तो इस तरफ आप मान लो आउटर साइड, आउटर साइड. इस तरफ आप मान लो इनर साइड, इनर साइड. तो आप बताइए सबसे पहले आउटर साइड पे कौन सी लेयर होती है. आउटर साइड पे ये वाली लेयर्स पाई जा रही है, देख रहे हो आप ये वाली लेयर, ये और ये. देखिए ये जो येलो येलो कलर से शो किया गया है, ठीक है, ये होता है रॉड. तो रॉड एंड कोन, रॉड और कोन को मिला के बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स. तो फोटो रिसेप्टर सेल होती है. आउटर साइड पे पहली वाली लेयर कौन सी होगी, फोटो रिसेप्टर सेल, जिसमें क्या आएगा, रॉड एंड कोन, रॉड एंड कोन, क्लियर. फिर सेकंड लेयर जो होती है ये होती है बाईपोलर सेल. सेकंड लेयर जो होती है ये देखिए ये वाली, ये बाईपोलर सेल की है. ये तो हो गई रॉड एंड कोन की, दिस आउटर लेयर इज रॉड एंड कोन. मिडिल वाली जो होती है बाईपोलर लेयर, बाईपोलर सेल्स की बनी होती है. अंदर वाली होती है गैंग्लियोनिक सेल की बनी होती है, अंदर वाली गैंग्लियोनिक सेल की बनी होती है. और ये बिल्कुल इनर मोस्ट होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. बताइए आउटर साइड पे कौन सी सेल होगी, फोटो रिसेप्टर. मिडिल में कौन सी होगी, बाईपोलर सेल्स. इनर मोस्ट कौन सी होगी, तो गैंग्लियोनिक सेल. अच्छा ये आप देख रहे हो गैंग्लियोनिक सेल के न्यूरॉन ये निकल रहे हैं. गैंग्लियोनिक सेल के जो न्यूरॉन्स होते हैं जब ये निकलते हैं, जिनको एक्सॉन बोलते हैं, तो गैंग्लियोनिक सेल के जो एक्सॉन्स होते हैं जब ये बाहर आते हैं तो ये मॉडिफाई होकर के क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ऑप्टिक नर्व. तो ये क्या बन गया, ऑप्टिक नर्व. तो बताइए ऑप्टिक नर्व किससे बनता है, ऑप्टिक नर्व किस चीज़ से बनता है. तो ऑप्टिक नर्व इज मेड अप ऑफ एक्सॉन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, एक्सॉन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल. और एक बात और है, इसको आप फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं. फोटो रिसेप्टर सेल इज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, बाईपोलर सेल इज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और गैंग्लियोनिक सेल इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. और एक बार एक क्वेश्चन और भी आया गया था, हॉरिजेंटल सेल और एमाक्राइन सेल कहाँ पाई जाती है, रेटिना में. हॉरिजेंटल सेल ये देखिए हॉरिजेंटली प्लेस है, हॉरिजेंटल सेल कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजेंटली प्लेस. और किसके किसके बीच पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये रॉड एंड कोन और बाईपोलर के बीच में पाई जा रही है. जबकि आप देख रहे हो बाईपोलर और गैंग्लियोनिक क्लियर के बीच में कौन सी पाई जा रही है, यहाँ पाई जा रही है एमाक्राइन सेल, एमाक्राइन सेल. तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक नंबर और दो नंबर के बीच में क्या पाया जा रहा है, पाया जा रहा है हॉरिजेंटल सेल. जबकि दो नंबर और तीन नंबर के बीच में क्या पाया जा रहा है, एमाक्राइन. एक नंबर फोटोरिसेप्टर सेल, दो नंबर बाईपोलर, ठीक है, तीन नंबर गैंग्लियोनिक सेल. तो ध्यान दीजिएगा ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कोन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलरफुल देखने के लिए. और कोन तीन टाइप के होते हैं, रेड कलर के लिए, फिर आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू, आरजीबी करके याद करिएगा, रेड ग्रीन और ब्लू. जब ये तीनों इक्वल सेंसेशन देते हैं, जब ये तीनों इक्वल सेंसेशन देते हैं तो हमें वाइट कलर का सेंसेशन दिखाई पड़ता है, वाइट कलर हमें दिखाई पड़ता है. अगर आपको कोई चीज़ वाइट दिखाई पड़ रही है, मतलब तीनों प्रकार के जो रॉड्स हैं वो इक्वली सेंसेट हो रहे हैं, तो आपको वाइट सेंसेशन नज़र आएगा, ठीक है. रॉड जो होते हैं, रॉड केवल डार्क विजन या कम लाइट में एक्टिव होते हैं. ये डार्क में देखने में या कम लाइट में एक्टिव होते हैं, जबकि ये लाइट में देखने में और कलरफुल देखने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. रॉड केवल वन टाइप की होती है, रॉड इज़ ओनली वन टाइप, बट कोन्स आर थ्री टाइप्स. व्हेन कोन्स आर इक्वली स्टिमुलेटेड देन सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस. अच्छा, और आपको पता होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी पिगमेंट नहीं बनेगा, कोई भी पिगमेंट नहीं हो जाए बनेगा तो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस भी तीन तरीके का होता है, रेड वाला, ग्रीन वाला और ब्लाइंड वाला, क्योंकि व्यक्ति कलरफुल नहीं देख पाएगा. आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है. ये एक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. जबकि किसी व्यक्ति में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो नहीं बन पाते. अभी आपको बोलेंगे रेटिनल पिगमेंट जो होता है वो नहीं बन पाता. और अगर वो नहीं बन पाएगा तो रात को दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ेगा. तो बताइए ये कैसा डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिकल डिसऑर्डर. जबकि ये कैसा डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, विटामिन ए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है. एक बात यहाँ और हम लोग क्लैरिफाई कर लें कि लाइट इस दिशा से आएगी. लाइट किधर से आएगी, लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से होते हुए फिर इस दिशा में जाएगी,
यानी लाइट की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप ये बताओगे, जबकि सिग्नल आउटपुट पूछा जाए, सिग्नल आउटपुट किधर से मिलेगा, सिग्नल आउटपुट ऐसे मिलेगा, ऐसे कैसे, सबसे पहले फोटोरिसेप्टर सेल, ठीक है ना, फिर उसके बाद बाइपोलर और फिर उसके बाद गैंग्लियोनिक, क्लियर। जबकि लाइट का ऑर्डर आप देख रहे हो, सबसे पहले गैंग्लियोनिक में आएगा, ठीक है, फिर बाइपोलर में आएगा और फिर फोटोरिसेप्टर में आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके का है, 1 2 3 मैंने ऐसे लिख दिया कि इसका जो ऑर्डर है वो इस तरफ है डायरेक्शन, और सिग्नल आउटपुट की जो ऑर्डर है वो इस तरफ है। सिग्नल आउटपुट का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, जबकि लाइट का ऑर्डर क्या है, 1 2 3। ये बातें क्लियर हो गई, अभी आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे भी इसको तो क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए इस फिगर में और क्लैरिफाई करके बनाया गया है, ये देखिए रॉड एंड कोन के लेयर है, फिर देखिए बाइपोलर है, फिर गैंग्लियोनिक सेल है, ये देखिए उसके एग्जॉन जब निकल रहे हैं तो ऑप्टिक नर्व बन गई, ठीक है, ये मैंने आपको बोला था उसके एग्जॉन निकलने से ऑप्टिक नर्व बन जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए अब मैं आपको बता दूं ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, तो जिस जगह से ऑप्टिक नर्व निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर रॉड और कोन की लेयर नहीं पाई जाती, यहाँ पे नो रॉड नो कोन, यानी इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ नो रॉड एंड कोन, ना रॉड होगा ना कोन होगा, इसलिए यहाँ इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहीं से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है और रेटिनल ब्लड वेसल अंदर जाती है, रेटिनल ब्लड वेसल्स अंदर जाती है, तो रेटिनल ब्लड वेसल एंटर करेगी, ऑप्टिक नर्व बाहर आएगी, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पोस्टीरियर मीडियन पोल पे पाया जाता है, पोस्टीरियर मीडियन पोल, तो याद रखिएगा पोस्टीरियर मीडियन पोल पर ऑप्टिक नर्व बाहर आती है, आई बॉल के पोस्टीरियर मीडियन पोल से ऑप्टिक नर्व बाहर आएगी, रेटिना की ब्लड वेसल एंटर करेगी, वहीं पे होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट पे ना रॉड होता है ना कोन, इसलिए यहाँ कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, दैट इज़ वाई नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा मैं आपको एक और स्पॉट बता देता हूँ, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट के लैटरल साइड पर, दिस इज लैटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, पोस्टीरियर पोल पर ही है बट लैटरल टू ब्लाइंड स्पॉट एट पोस्टीरियर पोल पर ही होता है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, क्योंकि यहाँ येलो कलर का पिगमेंट होता है, येलो स्पॉट, और इस येलो कलर का पिगमेंट होता है, उस येलो कलर के पिगमेंट को बोलते हैं मैकुला लूटिया, तो मैकुला लूटिया इज द येलो कलर पिगमेंट जो कि यहाँ पाया जाता है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट या मैकुला लूटिया। आप यहाँ देख पा रहे हो इसके सेंटर में, यहाँ सेंटर में अगर हम इसको बड़ा कर लें, कुछ ऐसा देख लें, तो इसको ऐसे देखो, इस स्पॉट को बोल रहे हैं येलो स्पॉट, और यहाँ पर क्या होता है सेंटर में, सेंटर वाले प्लेस को बोलते हैं फोविया, पूरा नाम होता है फोविया सेंट्रैलिस, क्योंकि सेंटर में है इसलिए फोविया सेंट्रैलिस, और फोविया सेंट्रैलिस पर जो रॉड कोन जो होते हैं वो थिनेस्ट होती है, और वहाँ केवल और केवल कोन कॉन्सेंट्रेटेड हियर, कोन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर पूछा गया है, कोन्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ये होती है थिनेस्ट पार्ट, दिस इज़ द थिनेस्ट पार्ट, यहाँ पर कोन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्राइटेस्ट इमेज बनती है, ब्राइटेस्ट इमेज बनेगी, क्लियर, और इसीलिए इसको बोला गया है फोविया सेंट्रैलिस। एक बात और जान लीजिए, फोविया पर रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, फोविया वो प्लेस है जहाँ हाईएस्ट रिजोल्यूशन, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है इसको, दिस इज़ द साइट फॉर विजुअल एक्यूटी, इसलिए विजुअल एक्यूटी का साइट है, याद रखिएगा फोविया इज़ द साइट फॉर विजुअल एक्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए इसको। अब देखिए हमारे आँखों में दो चैम्बर पाए जाते हैं, एक होता है एंटीरियर चैम्बर जिसको एक्वस चैम्बर भी कहते हैं, एक पोस्टीरियर चैम्बर जिसको विट्रस चैम्बर भी कहते हैं। एक्वस चैम्बर में एक फ्लूड भरा होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक्वस ह्यूमर, और बता दूँ याद दिला दूँ एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन किसने किया था, सीलरी प्रोसेस ने, जबकि ड्रेनिंग कहाँ पर होती है, कैनाल ऑफ स्लैम में, जब कैनाल ऑफ स्लैम जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पर जो ये फ्लूड है बढ़ जाता है, इससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया था, और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाने से हमारे यहाँ की जो ब्लड वेसल्स थी और जो नर्व्स थी वो डैमेज हो जाती है, जिससे व्यक्ति को क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, इसी को बोला था ग्लूकोमा, याद करिए ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया, ठीक है। विट्रस जो चैम्बर होता है ये एक बार बन गया तो कभी रिप्लेस नहीं होता है,
ये रिप्लेसेबल होता है विट्रस ह्यूमर, एक बार बन गया तो कभी रिप्लेस नहीं होता है, जबकि एक्वस ह्यूमर रिप्लेस होता रहता है, और जब रिप्लेस नहीं होगा तो कौन सा रोग हो गया, ग्लूकोमा। ठीक है, अच्छा विट्रस ह्यूमर कभी नहीं बनता, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बार बन गया तो बन गया, वो कभी रिप्लेस नहीं होगा। बनाता कौन है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, रेटिना, इसको रेटिना बनाता है, और ये ड्रेन नहीं होता है, ये ड्रेन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका काम होता है आसपास के टिश्यू को नरिश करना, जैसे कॉर्निया को नरिश करना, जैसे लेंस को नरिश करना। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ये सेप प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पर आंखों के अंदर सेप प्रोवाइड करता है, और प्रेशर को मेंटेन करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, फोटो रिसेप्टर या फोटो सेंसिटिव सेल के बारे में। फोटो सेंसिटिव सेल आपने पढ़ा था, रेटिना में तीन पार्ट थे, आउटर वाला था फोटो रिसेप्टर या फोटो सेंसिटिव सेल, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है रॉड और एक होते हैं कोन्स। रॉड सेप होता है, क्लियर, रॉड जो होता है रॉड सेप होता है, कोन जो होता है कोनिकल होता है, इसलिए उसको कोन बोला गया। ये मैंने बोला था ये ट्वीलाइट के लिए होता है, ट्वीलाइट यानी कि अंधेरे के लिए, यानी डार्क के लिए या कम लाइट के लिए, और ये जो होता है ये ब्राइट लाइट के लिए एक्टिव होता है, ब्राइट लाइट के लिए, और कलरफुल देखने के लिए होता है, कलरफुल देखने के लिए होता है। ठीक है, और ये बताया था ये केवल वन टाइप के लिए होते हैं, और ये थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से कलर को स्पेसिफाई करेंगे, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जब इक्वली सेंसेट होंगे तो कलर कैसा आएगा, वाइट, बता चुका हूँ मैं आपको। तो अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसके अंदर एक पर्पल रेड पिगमेंट होता है, पर्पल रेड पिगमेंट पाया जाता है, और इसका नाम होता है रोडोप्सिन, R for rod, R for rodopsin। और जो रोडोप्सिन है वो दो चीज़ों का मिलके बना होता है। ठीक है, रेटिनल क्या है, दिस इज़ द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, अल लगाए ना तो एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, और दूसरा होता है ऑप्सिन जो कि प्रोटीन है, क्लियर। तो रेटिनल इज़ द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, और ऑप्सिन इन दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, और एक बात और बता दूँ, जब लाइट पड़ती है, मैं डार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, तब ये ब्रोकन फॉर्म में रहता है, यानी जब लाइट पड़ेगी तब ब्रोकन फॉर्म में होगा, और जब डार्क अवस्था में हम लोग होंगे तो ये रोडोप्सिन के फॉर्म में होगा, याद रखिएगा। यही कारण है कि अभी मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं, ट्यूबलाइट जली हुई है, अगर मान लो कि बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, तो अचानक लाइट चली जाएगी, तो हम लोग को कुछ सेकंड तक दिखता नहीं है, कुछ सेकंड बाद ही हमें दिखता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब लाइट थी तो ये दोनों ब्रोकन अवस्था में थे, और जब ब्रोकन अवस्था में होते हैं तो फिर क्या होता है, रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होता है, रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है, और रोडोप्सिन का निर्माण होने में क्या होगा, कुछ समय लग जाएगा, कुछ सेकंड्स का। तो जब तक रोडोप्सिन नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, ये अंधेरे में हम देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए कुछ सेकंड बाद ही हमें दिखाई पड़ता है। तो रॉड के बारे में क्लियर बातें पता चल गई, और बताया था ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, तो अगर कोई व्यक्ति विटामिन ए नहीं खाएगा, जैसे गाजर में पपाया में विटामिन ए होता है, अगर कोई व्यक्ति विटामिन ए नहीं खाता है तो उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा, तो क्या आपको लगता है रेटिनल का फॉर्मेशन होगा, और जब रेटिनल नहीं बनेगा तो ऑप्सिन के साथ जुड़ करके क्या है वो रोडोप्सिन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, और अगर रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमें डार्क में नहीं दिखेगा, तो वी विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, रात को अंधे हो जाते हैं, तो नाम पड़ा रतौंधी, क्लियर। अब कोन का जो पिगमेंट होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, कोन के पिगमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोन में भी एक पिगमेंट पाया जाता है जो वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर्ड, बट नेवर ब्रेक्स, ये कभी ब्रेक नहीं होता, नेवर ब्रेक्स, जैसे अभी आपने देखा था
वो दो भागों में टूट गया था, रोडोप्सिन रेटिनल और ऑप्सिन, लेकिन ये नहीं टूटता, ये ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। नाम क्या है इस विजुअल कलर प्रोटीन का? तो विजुअल कलर प्रोटीन या पिगमेंट जो होता है उसका नाम होता है विजुअल वायलेट, क्योंकि वायलेट कलर का होता है, विजुअल वायलेट, विजुअल वायलेट, और ये कलरफुल देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर्ड एंड ब्राइट लाइट विजन के लिए, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आइए हम लोग एक बार एनसीईआरटी से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? आई, तो लिखा है अवर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड द ऑर्बिट, यानी जिस सॉकेट में होता है उसको आई ऑर्बिट बोला था हम लोगों ने। द ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई इज गिवेन इन फॉलोइंग सेक्शन, यानी ब्रीफ में दिया हुआ है। एडल्ट ह्यूमन आई इज नियरली स्फेरिकल, माइंड करिए, याद करिए, नियरली स्फेरिकल, ठीक है। द वॉल ऑफ द आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर, थ्री लेयर याद आया, एक्सटर्नल लेयर डेंस फाइबरस टिश्यू की बनी थी, नाम बताएंगे, नाम दिया हुआ है स्क्लेरा, लेकिन कॉर्निया भी होती है। फिर लिखा हुआ है एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्निया, कॉर्निया। मिडिल वाला जो लेयर था जिसको हम लोग ने वैस्कुलर ट्यूनिक बोला था, उसमें देखिए कोराइड लिखा हुआ है, कोराइड में ब्लड वेसल पाई जाती है, तभी तो मैंने वैस्कुलर ट्यूनिक बोला था। और ये ब्लूइश कलर का होता है किसके कारण? मिलानिन के कारण, इसमें दिया नहीं है, मैंने आपको बता दिया। कोराइड का जो पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट था वो कैसा था? थिन था, थिन, ठीक है, थिन। जबकि आगे का जो 1/3 पार्ट होता है, आगे का जो 1/3 पार्ट था उसने सिलेरी बॉडी बना दिया था, और वो कैसा होता है? थिक, वो थिक होता है। आप वीडियो देख लीजिएगा बार बार तो आपको क्लैरिफाई होता जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? सिलेरी बॉडी इट्स सेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म द पिगमेंटेड एंड ओपैक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आयरिस, यानी कि जो सिलेरी बॉडी था वो आगे और बढ़ता चला गया, और उसने आगे चल के एक अपारदर्शी, ओपैक मतलब अपारदर्शी स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम था आयरिस। और आयरिस इज द विजिबल कलर्ड पोर्सन ऑफ आई, आयरिस ही हमारी आंखों का विजिबल कलर्ड पोर्सन होता है। आई बॉल कंटेन्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, इनके अंदर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच, और याद करिए वो लिगामेंट द्वारा अटैच था, नाम क्या था? सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट किससे जुड़ा था? एक तरफ तो लेंस से जुड़ा था और दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो सिलेरी बॉडी से जुड़ा था। इन द फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के आगे एक छोटा सा होल था, छोटे से होल को किसने घेर रखा था? आयरिस ने, होल का नाम प्यूपिल। डायमीटर ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए मसल फाइबर पाए जाते हैं, वो मसल फाइबर किसके पास पाए गए थे? आयरिस, याद कर लीजिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा। इनर लेयर को रेटिना कहते थे, रेटिना, उसके अंदर तीन प्रकार की सेल पाई जाती है, फ्रॉम इनर टू आउटसाइड। बताइए इनर की तरफ क्या थी? फिगर याद करिए, गैंग्लियोनिक, बीच वाली बाइपोलर, सबसे अंदर वाली, सबसे बाहर वाली सॉरी फोटोरिसेप्टर सेल। फोटोरिसेप्टर सेल कितने प्रकार की थी? दो, रॉड एंड कोन्स, रॉड एंड कोन्स, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल, दो प्रकार की फोटोरिसेप्टर सेल थी, नेमली रॉड एंड कोन, अभी मैंने आपको बोला। और ये सेल लाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और ये प्रोटीन की बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं, इनको फोटो पिगमेंट्स भी कहते हैं। दिन में यानी फोटोपिक विजन के लिए और कलर्डफुल देखने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती? कोन्स की, अभी मैंने कई बार बताया। ट्वी लाइट यानी स्कोटोपिक यानी डार्क में देखने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रॉड की। रॉड के अंदर एक पर्पल रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है या प्रोटीन पाई जाती है, उसको बोलते हैं रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल भी कहते हैं। विच कंटेन्स ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, याद करिए एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए का नाम क्या था? रेटिनॉल। इन द ह्यूमन आई यानी हम इंसानों की आँखों में तीन टाइप के कोन्स पाए जाते हैं, याद करिए रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, लिखा है ना, रिस्पॉन्ड टू रेड ग्रीन एंड ब्लू। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर
जब बनाने होते हैं तो ये अपना अपना कोई 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 70%, कोई 15%, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो अलग अलग कलर आएगा। लेकिन जब इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जब स्टिमुलेट होते हैं इक्वली, तो सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज़ प्रोड्यूस, यानी वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। यानी कोई चीज़ आपको वाइट दिख रही है तो उसमें 33% तीनों का लगभग कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए, ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, यानी ऑप्टिक नर्व आँखों से बाहर आती हैं और रेटिना की ब्लड वेसल अंदर जाती हैं, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा था? मीडियन स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आईबॉल, यानी कि पोस्टीरियर पोल पे मीडियन पर प्रेजेंट था, ठीक है। इनको हम लोग ने बोला था ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे था क्या चीज़? ब्लाइंड स्पॉट। ना यहाँ रॉड होती है, ना यहाँ कोन होता है। देखो, फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती। दैट इज़ वाई नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। पोस्टीरियर पोल पर आँखों के लेटरल साइड पर, कहाँ पे? ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड पर क्या पाया गया था? एक येलो पिगमेंट। येलो पिगमेंट का नाम मैकुला लूटिया, उसको मैकुला लूटिया बोला था। ये देखिए, उसी को येलो स्पॉट भी कहते थे। और उसके सेंट्रल पिट को क्या कहा था? सेंट्रल पिट को फोविया सेंट्रैलिस कहा था। फोविया सेंट्रैलिस बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है ना, मैंने बताया था, वहाँ रेटिना बहुत पतली हो जाती है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ ऑनली प्रेजेंस ऑफ कोन्स। कोन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड हीयर, डेंसली पैक, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हीयर। इट इज़ द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्यूटी, यानी रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट, यानी रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, दो तरह के चैम्बर्स थे, कॉर्निया और लेंस के बीच वाले चैम्बर को हमने क्या कहा था? एक्वस चैम्बर। उसके अंदर कैसा फ्लूड भरा था? वाटरी फ्लूड। नाम क्या था? एक्वस ह्यूमर। जबकि स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड एज विट्रियस चैम्बर, और वहाँ पर जो फ्लूड भरा हुआ था वो जेल जैसा होता है, इसीलिए नाम बोला विट्रियस ह्यूमर। और याद करिए, ये रिप्लेसेबल होता है, दिस इज रिप्लेसेबल एंड दिस वन इज नॉन रिप्लेसेबल, नॉन रिप्लेसेबल। अब आगे देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ विजन हमको समझना है। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ फिगर, तो उससे क्लैरिफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी इमेज थी, वो लाइट यहाँ से एंटर करेगी, वो लाइट एंटर कर गई, ठीक है। लाइट एंटर कहाँ से कर रही है? कॉर्निया से। कॉर्निया से होते हुए फिर कहाँ से पास होगी? लेंस। लेंस से पास होने के बाद ये इन्वर्टेड इमेज बनाती है, इन्वर्टेड इमेज बनाती है, याद रखिएगा। इन्वर्टेड इमेज बनता है हमारे रेटिना पे। अगर ये ए और बी मान लिया जाए तो ये बनेगा बी और ए, और छोटा बनता है, रियल बट छोटा इमेज बनेगा। बाद में हमारा ब्रेन इसको सीधा कर लेगा। और ये कहाँ पे होता है काम? ये होता है विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इमेज बनेगी। लेकिन ये कैसे होता है, इसको डिटेल में समझने के लिए चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं, तो हमें क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ विजन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देखिए, जब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आती है, वो भी कौन सी लाइट? विजिबल वेवलेंथ। विजिबल वेवलेंथ यानी विवग्योर, विवग्योर। जब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आएगी जो कि विजिबल है, विजिबल होगी तभी तो हम देख पाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज, एक्सरेज, ये हम कहाँ देख पाते हैं? फिर लिखा है, जैसे ही ये रेटिना पर आएगी, लेकिन रेटिना पर आने से पहले ये कहाँ से पास हुई? कॉर्निया और लेंस से। तो उसमें क्या पैदा हो गया? इम्पल्स, यानी रेटिना में क्या पैदा हो गया? इम्पल्स, यानी एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया। एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड इन रेटिना। और रेटिना की किस सेल में ये पावर होती है लाइट को रिसीव करने की? रॉड एंड कोन, रॉड एंड कोन। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं कि फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स यानी फोटो पिगमेंट्स हमारे आँखों में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे आँखों में पाए जाते थे। और वो कितनी चीज़ों से मिलके बने थे? दो। ऑप्सिन एक प्रोटीन था और रेटिनॉल एल्डिहाइड था विटामिन ए का, याद करिए, रोडऑप्सिन की बात कर रहा है। लेकिन वो दो कंपोनेंट से मिलके बना था ना, ऑप्सिन और रेटिनॉल, इससे बना हुआ था। जैसे ही लाइट आती है तो रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंज, मतलब रोडऑप्सिन टूट गया। रोडऑप्सिन किस में टूटेगा? जिससे मिलके बना था, पहले रेटिनल और दूसरा क्या होगा? ऑप्सिन। ये ब्रोकन हो गए दोनों। जैसे ही ब्रोकन हुए
तो फिर ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आने लगता है, ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आने लगता है ताकि दोबारा कोई चीज़ जुड़ ना जाए। अगर मान लीजिए कोई दो चीज़ अलग हो गई है तो दोबारा जुड़ भी तो सकती है, लेकिन अगर एक बार ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया तो फिर ये रेटिनल से नहीं जुड़ेगी और रोडॉप्सिन नहीं बन पाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अब मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में चेंज आ गया, रेटिना की जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है उसमें चेंज आ गया, और इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया कहाँ पर? फोटोरिसेप्टर सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। और आपको पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर आगे बढ़ेगा। अब देखिए, अब सिग्नल आगे जाएंगे, सिग्नल कहाँ जाएंगे? सिग्नल जाएंगे एक्शन पोटेंशियल के रूप में पहले बाईपोलर में और फिर आ जाएंगे गैंग्लियोनिक सेल में। देखिए लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिख दिया है ना कि एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियोनिक लेयर थ्रू द बाईपोलर सेल्स, यानी पहले आएंगे बाईपोलर में, देन दे विल रीच इन द गैंग्लियोनिक सेल। एक्शन पोटेंशियल यानी इंपल्स अब आगे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा बताइए? गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन में। गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन ने क्या बना लिया है? ऑप्टिक नर्व। और अब ये ऑप्टिक नर्व कहाँ जुड़ी होती है? विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फेयर, यहाँ पर वेयर न्यूरल इंपल्स आर एनालाइज, यहाँ पर जो भी संवेदना गई उसको जांचा और परखा जाता है। किसके आधार पे? हमारे पिछली मेमोरी और अनुभव के आधार पे। हमने क्या देखा, किसको देखा, वो हमारे मेमोरी में था भी नहीं था, कलर कौन सा था। देखिए हम लोग को बचपन में पहचानने को बताया जाता है, रेड ये है, ग्रीन ये है, बाकी ये है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास पहले से ही मेमोरी और एक्सपीरियंस है, इसके आधार पे हमारा ब्रेन उसको एनालाइज कर लेता है, मतलब डिकोडिंग कर लेता है। तो आज हम लोग ने देखा कि किस प्रकार हमारी आंखें काम करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ विज़न क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को। और हम लोग ने देखा एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा एकोमोडेशन के बारे में। देखिए, जब कोई दूर की वस्तु हमें देखनी होती है तो क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेंस की फोकल लेंथ तभी ज़्यादा होगी जब लेंस पतला और लंबा होगा। अब लेंस पतला और लंबा कब होगा? जब इसको खींच लिया जाएगा, इससे जो फाइबर जुड़े हुए हैं जब वो सिकुड़ जाएंगे। देखो, इससे ये फाइबर जुड़ा हुआ है, जब ये सिकुड़ जाएंगे तो लेंस खिंच जाएगा, लेंस लंबा और पतला हो जाएगा, मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट का जब साइज़ जब रिड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, लेंस लंबा और पतला हो जाता है और तब जाके इमेज फोकस्ड हो जाती है रेटिना पे। तो बताइए, जब दूर की वस्तु देखनी होगी तो फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा कब होगा? जब लेंस लंबा और पतला होगा। लेंस लंबा और पतला कब होगा? जब सस्पेंसरी लिगामेंट का साइज़ रिड्यूस होगा। और सस्पेंसरी लिगामेंट का साइज़ रिड्यूस करेगा कौन? ये करेगा सीलेरी मसल। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पे मसल सिकुड़ रही है ना, तो यहाँ मसल रिलैक्स हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स होती हैं। अगर सीलेरी मसल रिलैक्स्ड होंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी रिड्यूस होगा, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स होता है। अब नीचे देखें, जब पास की वस्तु हमको देखनी है तो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाना चाहिए, लेंस छोटा और मोटा हो जाना चाहिए। लेंस छोटा और मोटा कब होगा? जब ये फाइबर जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब ये फाइबर रिलैक्स हो जाएंगे यानी सस्पेंसरी लिगामेंट का साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब रिलैक्स हो रहा है, ये रिलैक्स्ड है। अगर ये रिलैक्स है तो बताइए सीलेरी मसल इनकी रिवर्स होती है, तो सीलेरी मसल कैसी होगी इस समय? सीलेरी मसल इस समय कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्टेड। तो समझ में आ गया, आपने देखा जब हमें दूर की वस्तु देखनी है तो लेंस में परिवर्तन हुआ, ठीक है। और ये सब कर कौन रहा है? यहाँ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की गई है किसको? तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है सीलेरी मसल को, ठीक है, याद रखिएगा, मेनली रिस्पॉन्सिबल है सीलेरी मसल। क्लियर? एक फिगर और बताते हैं जिससे आपको कुछ क्लियर हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए, जब यहाँ आप देख रहे हो, मान लो ये हम लोग दूर की वस्तु देख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट। जब फार ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या होगा? तो इस समय देखिए, जोनुलर फाइबर का मतलब क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। अनदर नेम ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट इज नोन एज जोनुलर फाइबर। जोनुलर फाइबर कैसे हैं? टाइट यानी कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो देखिए सीलेरी मसल कैसी है? रिलैक्स, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स होती है, सीलेरी मसल रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट, तो सीलेरी मसल रिलैक्स, ठीक है। इस समय क्या होगा?
आप देख पा रहे हो कि लेंस कैसा, ये कैसे हो गए सस्पेंसरी लिगामेंट, ये छोटे हो गए, छोटे हो गए तो लेंस कैसा हो गया लंबा और पतला। देखिए लिखा है लेंस फ्लैटेंड, और जब लेंस फ्लैट हो जाएगा तो रेटिना पर इमेज बन जाएगी दूर की वस्तु की। अच्छा, जब हम लोग नियर ऑब्जेक्ट देखेंगे यानी पास की चीज़ें, जब नियर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, तो इस समय जोनुलरी फाइबर यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे होंगे, ये रिलैक्स हो गए, ये रिलैक्स हो गए, तो आप बताओ सीलरी मसल कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स होती है, सीलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब ये रिलैक्स हो गए, तो लेंस कैसा हो गया, लेंस इलास्टिक होता है, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, यानी छोटा और मोटा हो गया। जब छोटा और मोटा हो जाएगा, देखिए लिखा है लेंस बिकम्स राउंडर और थिक भी हो जाएगा, यहाँ फ्लैट हो गया मतलब पतला हो गया, यहाँ थिक हो गया और इमेज बन जाएगी रेटिना पर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। और करता कौन है, सीलरी मसल, ठीक है, फोकल लेंथ इस समय बढ़ जाएगी और इस समय फोकल लेंथ घट जाएगी। और क्या क्या परिवर्तन होगा, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर। तो बार बार वीडियो देखते रहिए, कन्फ्यूजन्स दूर करते रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।